हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 11 के वी जो सबस्टेशन लगाते हैं हम 11/440 वोल्टेज का, मतलब एच पोल पे, वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम बना रखा हमने। सबसे पहले हमारी 11 के वी वोल्टेज वहाँ से आएगी, उसके बाद हमारी ये गो स्विच में, जो हमारा ऊपर गो स्विच लगा होता है, उसके बाद हमारे जंपर जो स्प्रिंग वाली वायर है दिखाई दी, वो अब मैं वीडियो में दिखाऊंगा आगे। उसके बाद हमारे ST फ्यूज़ में आ जाती है। फ्यूज़ के बाद हमारी फ्रेंड्स सीधी डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के ST साइड, बूसिंग साइड आ जाती है 11 के वी वाली साइड। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप डाउन है 11 के वी से 440 वोल्टेज में ट्रांसफार्मर इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम हमारी पावर निकलेगी 440 वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद हमारा एक ब्रेकर लगाते हैं, मतलब कि ब्रेकर लाइन को कट करने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ इधर से ट्रांसफार्मर के बाद और मीटर के पहले कोई भी काम करना हो तो हमें यहाँ पे ब्रेकर को काट के हम काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको LT ब्रेकर बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारी मीटर में पावर जाएगी। मीटर के बाद फिर हम एक ब्रेकर लगा सकते हैं और उसके बाद हम इसको 440 वोल्टेज को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी मोटर वगैरह चलानी हो, कुछ भी हम 440 वोल्टेज का से सप्लाई से चला सकते हैं। तो ये था हमारा सिंगल लाइन डायग्राम। अभी हम देखते हैं वीडियो कि कैसे इसको माउंट किया हुआ है पोल के ऊपर। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, हमारे पास ये तीन फेज सप्लाई आई हुई है एच पोल पे। तो कंप्लीट ये एक बार एच पोल आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे लगा रखा है। ये मीटर लगा रखा है और नीचे ये स्विच लगा रखा है, गो स्विच जो हैंडल, इससे हम पावर काटते हैं, ठीक है। तो ये तीन फेज सप्लाई आई हुई है हमारे पास, डायरेक्ट ऊपर इंसुलेटर के ऊपर कनेक्ट हो गई है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, वो देख सकते हैं आप, ऊपर कनेक्ट है और उसके बाद नीचे आइसोलेटर के ऊपर तीन जंपर के साथ अलग कंडक्टर से हमने उसको आइसोलेटर के ऊपर उतार रखा है। उसके बाद आइसोलेटर के बाद ये जो स्प्रिंग का बना के हमने नीचे एक, ये देख सकते हैं आप, ये आइसोलेटर है और उसके आइसोलेटर के नीचे जो स्प्रिंग बना के हमने, मतलब स्प्रिंग बना के उसको नीचे ले आए हैं। नीचे लाने के बाद ये एक पिन टाइप इंसुलेटर पे माउंट कर दिए, मतलब कि वहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे ST के फ्यूज़ लगा दिए हैं। फ्यूज़ ऐसे ही लगते हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद फ्यूज़ के बाद ये ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट जो ST साइड बूसिंग होती है ट्रांसफार्मर की, ये दिखा देता हूँ आपको, ये ST साइड बूसिंग है, यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। फ्रेंड्स इसमें एक कमी है, यहाँ पे एक लाइटिंग रेस्टर नहीं लगा रखे हैं, मैं वो आपको बाद में दिखाऊंगा कि लाइटिंग रेस्टर कैसे होते हैं, ठीक है। वो लगाने ज़रूरी होते हैं, मतलब कि सबसे पहले जो ऊपर लाइन आई थी वहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, ये जो ट्रांसफार्मर है उसके आउटपुट में एक केबल निकाल दी हमने, एक फोर कोर की, ठीक है। ये मीटर के थ्रू होते हुए जहाँ पे हमने यूज़ करनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है और मोटर के लिए हमने लगा रखी है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो और ये दो वायर हैं, जो दो कंडक्टर हैं जो हमने पोल के सेफ्टी के लिए, मतलब पोल की उसके लिए सपोर्ट के लिए लगा रखे हैं। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये दो कंडक्टर हैं जो बीच में इनके इंसुलेटर लगा रखा है और उसके बाद ये ज़मीन में इसको RCC के साथ गार्ड रखा है बिल्कुल प्रॉपरली। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इसको नट बोल्टिंग किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से इसको सपोर्ट दी हुई है, तो आप ये देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इसकी पावर काटनी है 11 के वी साइड से, तो नीचे से जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था, मैं आपको लास्ट में भी दिखा दूँगा एक फ़ोटो में कि कौन सा ये स्विच है आइसोलेटर को काटना है, ठीक है। तो ये नीचे जो आइसोलेटर वो हैंडल है, उससे हम काट सकते हैं इसको, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा इंसुलेटर है, होता है इंसुलेटर, मतलब काफ़ी टाइप के होते हैं। ये हमने एक इसमें यूज़ किया हुआ है, ये लाइटिंग रेस्टर है फ्रेंड्स, ये सबसे टॉप में लगता है लाइट आने के बाद, मतलब कोई भी सर्ज वगैरह आती है, हाई वोल्टेज आती है, तो ये इसके थ्रू इसको राउंड कर देता है। और ये हमारा कंडक्टर है, ACSR कंडक्टर, एल्यूमिनियम का होता है ये, ठीक है। काफ़ी टाइप के होते हैं फ्रेंड्स ये, इसके अंदर सपोर्ट वायर है एक ब्लैक वाली, इसलिए ACSR कंडक्टर है। और आइसोलेटर ऐसा होता है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं हम, ठीक है। मैं अभी आपको एक जो आपको स्विच दिखाता हूँ, गो स्विच जिससे हैंडल से हम काटते हैं, तो ये आप देख सकते हैं 323 के पास जो एक हैंडल है वो एक। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, देखते रहिए सीखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल बाइक इलेक्ट्रिकल। जय हिंद, वंदे मातरम।